हॉस्पिटल में क्या काम आया हो? मैं चेकिंग करवाने आया हूँ खुद की कोविड टेस्टिंग। कोविड की क्यों सारे सिम्टम्स आ रहे हैं? सिम्टम्स है लगभग 100 आए हैं। 100 पॉजिटिव आए? हाँ, तो लगभग देख लो 3 दिन के अंदर अंदर 1500 अगर चेक करवा के गए हैं यहाँ से, तो उसमें 100 पॉजिटिव आ गए, तो दिन में दो तीन एवरेज चल ही रहे। पालना कहेंगे तो दूसरे ने पॉजिटिव करा, तो डॉक्टर साहब बोलिया कि मैं खुद भी पॉजिटिव हूँ, इसलिए जो है आप 15-20 दिन की दवाई लो और उसके तो बाहर से निकलवा लेना, यहाँ से मत निकलवाना, क्योंकि लगभग यहाँ का स्टाफ पॉजिटिव। राम राम साहब, मैं हूँ थारा मित्र मुकेश और थे देख रहे हो जल को हनुमानगढ़। तो अभी आप संगरिया तहसील को जो हॉस्पिटल है बी के मैंने आया संगरिया का, मैंने कल रात नहीं है जो 100 नया पॉजिटिव पाए गए हैं। तो थारे सबसे निवेदन है कि जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के जाओ और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो। तो अभी आप संगरिया तहसील का जो हॉस्पिटल है तो बैठे पहुँचे, तो अठे देखा क्या कोरोना महामारी अब बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है। तो अब आप देखा क्या हॉस्पिटल प्रशासन है तो वो आपकी तरफों के प्रयास करने लग रहे हैं, और जगह लोग सैंपलिंग वगैरह करवाना आ रहे हैं तो बांगी लिए के व्यवस्था है जो है करी गई है। तो अभी अपना संगरिया तहसील को जो हॉस्पिटल है सरकारी हॉस्पिटल बैंक मैन खड़ा, तो मेरे पीछे देखने लग रहे हो थे भीड़ देखने लग रहे हो, सरकार है जो कि बार बार हजार के मैन जागे, पुलिस वाला है जो लोगों का चलान वलान काटे, लेकिन हॉस्पिटल ने देखने वाला है जो कोई को नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ अठे उड़न लग रही है। जक्की थे मेरे पीछे भीड़ देखने लग रहे हो, ऐबे लोग है जिसका कोरोना की जांच करवाने खातर है जो हॉस्पिटल में आए हैं और खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। हम कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो राम जाना, और हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो इस चीज़ पर बिल्कुल ही ध्यान है जो कौन देने लगा। हॉस्पिटल में क्या काम आया हो? मैं चेकिंग करवाने आया हूँ खुद की कोविड टेस्टिंग। कोविड की क्यों सारे सिम्टम्स आ रहे हैं? सिम्टम्स है। हाँ तो क्या बता रहे थे व्यवस्था? व्यवस्था नहीं है, 11:30 बंद कर देते हैं और लगभग 10 बजे आते हैं ये, 1.5 घंटे में इतने मरीज आ जाते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर टेस्टिंग करवाते हैं, साथ साथ काम नहीं चल रहा दोनों का, 2 घंटे का काम होता है सिर्फ, 2 घंटे मरीज कितने चेक करेंगे, कितनी टेस्ट पॉजिटिव मतलब टेस्टिंग करवाएंगे, टाइम तो चाहिए इसको, लगभग 5-6 घंटे का टाइम होना चाहिए, वो इनके पास है नहीं। तो थे मतलब जी आज रजिस्ट्रेशन करवा के आए हो? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूँ, मैं कल भी आया था पर कल तो बंद कर दिया था इन्होंने, 11:30 बजे बाद हम वो रजिस्ट्रेशन करते नहीं हैं, तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही मेरे को, तो बेहाल है आज तो फिर भी कम है, नहीं तो लगभग 500 तो चेकिंग के लिए आते ही हैं लगभग सारी। मतलब जी लाइन में क्यों कौन लग रहा है? लाइन में अब कोविड के डर से फिर साइड में खड़े हैं ना, लाइन में तो अब क्या खड़ेंगे, तो बारी कब आएगी फिर सारी? बारी जब तक ये ख़त्म होंगे कम होंगे तभी आएंगी बारी। तो मतलब एक बात बताओ, मतलब ए लाइन जो की खड़ी है एक मैंने कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है क्या पता है? अब कोई पता नहीं, कल रात को लगभग 900 के आसपास आए हैं संगरिया में। संगरिया में कितना पॉजिटिव है? 100 लगभग 100 आए हैं। 100 पॉजिटिव आए? हाँ, तो लगभग देख लो 3 दिन के अंदर अंदर 1500 अगर चेक करवा के गए हैं यहाँ से, तो उसमें 100 पॉजिटिव आ गए, तो दिन में दो तीन एवरेज चल ही रहे हैं, तो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है अपने हो क्या अब तक कौन? अरे हिसाब से क्या होना चाहिए था? होना क्या चाहिए, व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, जो स्टाफ है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करवाना चाहिए, जो 2 घंटे खड़े हैं वहाँ 5 घंटे और लगवा दो उनको, हनुमानगढ़ से आ रहे हैं शायद ये स्टाफ वाले। हाँ समझ गया मैं, तो मतलब भीड़ इतनी भीड़ है आईडी है कोरोना की जांच करवाने खातर, हॉस्पिटल जो प्रशासन है वो ढिलो चालन लाग रहे हैं, जगह लोग बाग भी है जगह चीज़ कह रहे हैं, और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ अठे देखने लाग रहे हो, प्रशासन को थाना एक भी हॉस्पिटल में जगह काम करने वाला स्टाफ है बांगमैन एक भी आदमी अठे को दिख रहे हो, जो को मतलब लोगों ने कहा है कि थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करो, क्योंकि अंगमैन कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है वो राम भरोसे ही चल रहे हैं। मैं दांत दिखान घट रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब बोलिया कि मैं खुद भी पॉजिटिव हूँ, इसलिए जो है आप 15-20 दिन की दवाई लो और उसके तो बाहर से निकलवा लेना, यहाँ से मत निकलवाना, क्योंकि लगभग यहाँ का स्टाफ पॉजिटिव ही है, हॉस्पिटल का सारा स्टाफ ही लगभग पॉजिटिव है। हाँ जी ये बताया उन्होंने। तो मतलब जी हाँ थे लाइन देखने लग रहे हो कोविड की जांच कराने खातर जगह लोग बाग आए, तो थाना लाग रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने लाग रहे हैं? नहीं पालना के करने आ रहे हैं तो दूसरे ने पॉजिटिव करने आ रहे हैं। पालना कहेंगे तो दूसरे ने पॉजिटिव करा है, हमारे हिसाबों क्या होना चाहिए? हमारे हिसाबों तो जी अलग अलग भी हिसाबों को लाइन बने दूर दूर हिसाबों कोई बिता गए दूसरे के साथ कोई टच ना हो गए, लेकिन हर तो एक दूसरे को ऊपर चढ़ रहे हैं।
कट्ठे कोई दो गज की दूरी को नहीं, कट्ठे को घेर को निशान को नहीं, की को नहीं, अपनी मर्जी जटे मर्जी जिंगो ऊपर मर्जी दार खड़े हो जाओ। हाँ, कोई बोलनी को नहीं, अठा कोई पूछनी को नहीं, कोई बोलनी को नहीं। सब आए थे ना, उनसे पूछना कल उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, पर वो वापस घर चले गए। अब वो 25 वाइलें कल खराब हो गई, तो लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना भी। अब पिछले एक साल से सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, आज तो चल नहीं रहा। अब मैं इस भाई साहब को बोलूँगा कि अब दूर होके खड़े हो जाओ। हमारे लोग, हमारे पास 4 का स्टाफ है, वो सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक तो दूसरे काम करता है, किसी का GSY के पैसे आने हैं, कोई काम होना है वो करता है, 10 बजे से लेके 2 बजे तक ये काम करेगा। अब 2 बजे के बाद घर घर जाके लोगों को दवाई पहुंचाएगा, तो इसके बाद अब लोगों का फ़र्ज है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग रखे। हम लोग तो प्रबंध कर सकते हैं, अगर इनको चाहिए तो निशान लगा देते हैं, पर आजकल तो सबको पता ही है अभी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है। मेरा परिवार है और मुझे सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी? आज ही केस कम होने शुरू हो जाएंगे। जब हम सोचते हैं ना इससे तो क्या होता है, इससे तो क्या होता है, तो फिर ये दिक्कत आएगी। कौन इनका रजिस्ट्रेशन करे, कौन सैंपल ले और कौन फिर इनको बाहर आके बताए? फिर आप कहोगे जी अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, अंदर सैंपल नहीं हो रहे। अब वो उस काम में लगे हुए हैं, बाहर का काम अब लोगों को कम से कम अपना तो बचाव रखना है। बाकी काम हम कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, सैंपल चल रहे हैं, रोज के 90-100 सैंपल हो जाते हैं। कल ये दिक्कत आ गई कि लोग रजिस्ट्रेशन करा के घर चले गए। अब आज आपको आके कंप्लेन करेंगे हमारा सैंपल नहीं हुआ, तो जबकि हमारा स्टाफ अभी सैंपल लेना शुरू कर चुका है। जब तक लास्ट सैंपल नहीं हो जाता तब तक वो इस ऐसे EPP किट पहन के खड़ा रहेगा। मतलब चाहे अब जब टाइमिंग 12 बजे सुबह 11 बजे से लेके 9:30 से लेके 11:30 बजे 11:30 तक रजिस्ट्रेशन होगा, और 11 बजे के बाद सैंपल शुरू हो जाते हैं। अब सैंपल शुरू हो चुके हैं, लगभग 15-20 सैंपल हो चुके हैं इससे पहले। जब तक लास्ट सैंपल नहीं हो जाता, चाहे वो 12 बजे तक हो चाहे 1 बजे तक हो, वो सैंपल लेते हैं। सुविधा ला रही है, मैं तो चलो युवा हूँ, स्वस्थ भी हूँ। हाँ। पर जहाँ मेरा परिजनांग है कोविड पॉजिटिव हो। हाँ। तो मैं जांच करवाना है, लोग बाग आण भी ला रहे है। सौ पहला बड़ी बात तो है कि कोरोना जगह आपातकालीन स्थिति हो रही है, एक अंदर कोई सरकारी कर्मचारी अगर 10 मिनट पहला घरों आ जाए, कोई फिक्स टाइम को नहीं हुआ। पूरे निरंतर काल में पहला भी लोग दिन के 9:30 बजे पहला कोई को नहीं आठ है। अब अगर आपातकालीन स्थिति चालू हो रही है, 5 मिनट पहले आज कोई फर्क कौन पड़ा? 9:30 को टाइम है रजिस्ट्रेशन करवाने को, 9:45-45 मिनट पहला आवा को नहीं। इसके बाद में इतनी गर्मी है, चारों मेरे घुमा के देखो तावड़ बैठा है, बूढ़ा बुजुर्ग लेडीज बच्चा और क्या खड़े है, आ खातर कोई सुविधा को नहीं। कोई सिंगल आदमी आ गया बात कौन कह भी थे, साइड में जो कोरोना पॉजिटिव शख्स है वह साइड में जो, लेडीज साइड में जो, बुजुर्ग साइड में जो। अब देखो लाइन लगेड़ी है, लोग एक एक दूसरे के साथ एकदम टच होने ला रहे हैं, टाइप भी कुछ। और जिका अंदर सैंपल लेने ला रहे हैं, तो सैंपल लेना चालू करे 12:45 बजे। अगर वह भी सके सके सैंपल ले वो करे सुबह सुबह, तो क्या दिक्कत? 11:30 बजे पहला वे क्या करे भाई? कोई भी सरकारी कर्मचारी प्राइवेट कर्मचारी है, दिन गया 9 बजे है स्कूल जाने, 7 बजे जाए बस कंडक्टर, हरेक विभाग को कर्मचारी 7-8 बजे आप काम चालू कर दिया है। अंदर जिका सैंपलिंग लेने ला रहे, वह 12:45 बजे काम क्यों चालू करे? दिन के 9:30 बजे चालू कर दे रजिस्ट्रेशन के सके सके, तो दिक्कत क्या है? अब इतनी गर्मी है देखो, 200 आदमी खड़े है, अजिंग ऐसा का बच्चा भी है छोटा, आदमी भी ना बीमार हुआ तो बीमार जो है। बीकानेर रेंज का पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचा, और जंक्शन और टाउन के अलावा आसपास के कस्बा में भी जाके निरीक्षण करो, और इनके साथ में बॉर्डर पर का स्थापित अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट था वहाँ भी भ्रमण करो, और COVID-19 संक्रमण की रोकथाम खातर शासन और प्रशासन का जो अधिकारी है वहाँ आ गए, बातचीत भी करी। आज कलेक्टर साहब और SP साहब के साथ हमने हनुमानगढ़ शहर का भ्रमण किया है, लॉकडाउन संबंधी जो व्यवस्थाएँ हैं उनका अवलोकन भी किया गया,
प्लस जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, जो पुलिस प्रशासन मिलकर के कोविड नियंत्रण का काम कर रहे हैं, उसकी भी समीक्षा की गई, उसकी जानकारी ली गई और जो लॉकडाउन के कंप्लायंस को देखा गया। आपके घर वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? आप लोग यहीं के लोकल आपके मोहल्ले के लोग आपकी बात मान लेते हैं? ये समझाना जरूरी है। आप देख ही रहे हो, आप लोग भी सोशल मीडिया पे, न्यूज में, हर जगह देख ही रहे हो। अभी जो स्थितियाँ बन रही है, समझ भी रहे हैं। चलो अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हो आप। तो लगातार इसे वीडियो देखने खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब करो और नीचे घंटी को बटन है भी दबा लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो थान मिल जावे और हनुमानगढ़ की जो कि लोकल खबरें हैं वह थान मिल जावे। तो एक खातर जलको हनुमानगढ़ चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और नीचे घंटी को बटन है भी दबा लो।